हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। और ये है Yamaha का नोट 8 और इसमें हमें अकाउंट लगा हुआ देख सकते हैं आप। और मैं इसका अनलॉकिंग करूंगा, तो उससे पहले आपको दिखा दूं कि मॉडल चेक करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। पहले वो सब देख लीजिए आप। पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर हम डिवाइस मैनेजर ओपन कर लिए, डिवाइस मैनेजर हम ओपन कर लिए। और यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, ये देखिए रेडमी नोट 8 है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आपका शो नहीं कर रहा है तो जिस टूल से आप अनलॉक कीजिएगा उस टूल में देखिएगा पासबुक में इंफॉर्मेशन लिखेगा। तो आपको करना क्या है कि अब जैसे कि ये फ़ोन है तो इसको तीनों बटन प्रेस करके रखना है। जैसे ही पावर ऑफ होगा और डाउन बटन प्रेस करके आपको जो है करना है पासबुक मोड। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम तीनों बटन को प्रेस कर रहे हैं और फ़ोन लगा हुआ है, USB लगा हुआ है सिस्टम में। तो जैसे ही हम अब ऑफ हुआ तो हम देख सकते हैं यहाँ डाउन बटन प्रेस करके रखे और ये पासबुक मोड में आ गया। तो पासबुक मोड में आने के बाद जो है यहाँ पे इसका डिवाइस मैनेजर में एक ड्राइवर शो करेगा, वो आप देख लीजिएगा, वो शो करना चाहिए। देखिए एंड्रॉयड फोन और यहाँ पे एंड्रॉयड बूटलोडर इंटरफेस आ गया और यहाँ पर जो है आपका वो चीज़ शो कर गया। देख सकते हैं यहाँ पर पासबुक में अब हम क्या करेंगे, क्विक इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है देख सकते हैं मॉडल नंबर आ चुका है रेडमी नोट 8 मॉडल नेम। तो देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल नंबर हम निकल चुके हैं और हम इजीली इसको अब MI अकाउंट अनलॉक करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर MI में क्लिक करेंगे और यहाँ सिक्योरिटी में क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी में क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है आप देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, है ना, कहीं पर मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस फोन को जो है फिर से दोबारा रिबूट करके इसका रिकवरी मोड में लेके जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे MI सिस्टम में लेके जाएंगे, तीनों बटन को प्रेस करके रखेंगे और तीनों बटन, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये ऑफ हो चुका है, यानी ऑन हो चुका है। फिर से हम इसको रिकवरी मोड में लगा, मतलब रिकवरी मोड में लाने के लिए इसको फिर से एक बार ऑफ करना पड़ेगा। तो फिर से हम पावर बटन और अप वाला बटन प्रेस करके रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही ऑफ होगा तो हम अप वाला बटन प्रेस करके रखेंगे, प्रेस नहीं हो रहा शायद, हाँ हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। हाँ अमित, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है MI असिस्टेंट में हम जाकर के पावर बटन को क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अब बता रहा है ये USB लगाने के लिए। जैसे ही USB लग जाएगा ये बढ़िया तरीके से, तो वहाँ पर जो है आपका ये यहाँ पे सड़ जाएगा। तो अभी प्रॉपर USB नहीं लगा है तो हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये लग चुका है और यहाँ पर ADB इंटरफेस शो कर चुका है। तो जैसे ही ADB इंटरफेस शो कर गया है अब हम क्या, हमको क्या करना है, अब यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर रिकवरी में क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। नीचे लाने के बाद जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं रीसेट डिसेबल MI क्लाउड, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम फोन को यहाँ पे शो करा देते हैं और इसको थोड़ा सा साइड में लेके आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर MI अकाउंट अनलॉकिंग हो रहा है। बट हम क्या करेंगे, जैसे ही अनलॉकिंग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो FRP है वो भी हम कर देंगे। क्या है कि हो सकता है कि इसमें FRP हो, तो इसलिए जो है हम इसी मोड पर FRP भी कर देंगे। तो हम अभी टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें ये वर्जन देख लीजिएगा, एंड्रॉयड वर्जन 11 है तो इसमें सपोर्ट कर सकता है। बट आपका अगर 12 है तो कुछ कुछ सेट में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप जो है ट्राई करके देख लीजिएगा। जिसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप ऑनलाइन में कांटेक्ट कीजिए या मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहेगा, ग्रुप लिंक उसमें दिया हुआ रहेगा, तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी आप अनलॉक करा सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, आपके पास अगर कोई डिवाइस जंगल कुछ भी नहीं है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके आप जो है अनलॉकिंग करा सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा स्टेज भी मिलेगा, अगर कुछ आपको ज़्यादा जानकारी है तो अलग बात है, बट जिसको जिस भाई को जानकारी नहीं है डिवाइस मैनेजर कैसे ओपन किया जाएगा और बहुत तरह की बात कि कौन सा ड्राइवर किस में काम करता है, तो ये सब क्या होता है कि ये सब सीख मिलता है, एक
बहुत ही बेहतरीन चीज है ये, कि जिसको पता नहीं होता है उसको सीख मिलता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या है कि यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगता है, इसलिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली जो है ये MI क्लाउड जो है हो गया है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे बता रहा है इरेजर पर की लॉक डाटा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से हम क्लिक करेंगे इरेजर पर की में और फिर से वेटिंग कर लेंगे। अच्छा खासा टाइम लगता है, क्या है कि या तो हम एक बार सेटअप करके देख लेते हैं कि इसमें यहाँ पर भी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। मेरे ख्याल से इसमें एक बार ये कर लेना चाहिए, मतलब एफआर पी कंप्लीट कर लेना चाहिए, बट फिर भी मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम एक बार सेटअप करके चेक कर ले रहे हैं, क्या कि सेटअप करने का क्या जरूरी है। यहाँ पे कोना में देख रहे हैं ताला, यहाँ पे ताला दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सिस्टम है, पैटर्न अगर लग जाता है तो अच्छी बात है, एफआर पी बाईपास हो जाएगा। तो ये एफआर पी बाईपास करने के लिए एक ट्रिक है, यही बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है पैटर्न नहीं लिया, क्या कि पैटर्न लेता तो ये जैसे ही हम बंद चालू किए तो पैटर्न मांगता, तो हम जाग जाएंगे और फिर से इसको ऑफ कर लेंगे, सेट को रिबूट करते हैं, और अप वाला बटन जो है प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में जाएगा, और रिकवरी मोड में जाने के बाद जो है इसको हम फिर से दोबारा MI असिस्टेंट में लेके जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिर से हम रिकवरी मोड में लेके आ गए हैं और MI सिस्टम में लेके जाएंगे, और देखिए कनेक्ट हो गया। जैसे ही ये सिस्टम में कनेक्ट होगा तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर से हम एक बार ट्राई कर लेते हैं इसका इरेज़ FRP में जा करके कर देते हैं इरेज़ FRP। देख सकते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर से हम इसको ओपन करके रखते हैं, और अच्छा खासा टाइम लगाता है। और इसमें से कोई भी मॉडल सेलेक्ट करने का कोई ज़रूरी नहीं है, MI रिसेट में अच्छा खासा टाइम लगाया, बट अब इसमें कितना समय लगता है हम देख लेते हैं, चेक करते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, कितना समय लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक है, हाँ साइड लोड इरेज पर क्लिक है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही लगता है इरेज पर भी जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 70% तक तो हो चुका है, अभी और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और आप बेफिक्र रहिएगा, जिसमें सपोर्ट है
उसमें अगर इनर नहीं मारा फर्स्ट टाइम में तो समझ लीजिएगा कि ये होगा 100% डेफिनेटली होगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जैसे मैं वेट कर रहा हूँ, वेट करने के बाद तो आप देख भी सकते हैं कि इसमें एफर्ट भी रहेगा, तो फिर ऊपर कॉर्नर में जो है लेफ्ट साइड में वो ताला का निशान आएगा। तो कर रहे हैं डाउनलोड कर लो पहले। नहीं, वो सब नहीं है सब लोग, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कम्प्लीटली ये एफआरपी भी ओके हो गया है। अब हम चेक करेंगे एफआरपी कंप्लीट हुआ या नहीं। तो अभी हम एफआरपी चेक कर ले रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट ये ऑन हो चुका है। अब हम इसको सेटअप करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें एफआरपी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर कॉर्नर में पहले ताला का निशान आ रहा था, अब नहीं है। अब हम इसको कंप्लीटली ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन से ऑन हुआ है। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो में लाइक शेयर जरूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग जो है वीडियो को मतलब देख करके छोड़ देते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया करो, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो ही जाएगा।